नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज वन इलेवन में मैं हूं आपके साथ कृतिका बिहार में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक हजार छह सौ के करीब पहुंचा बुधवार की सुबह बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण के साठ नए मामले आ चुके हैं स्वास्थ्य विभाग सचिव संजय कुमार से मिले पहले अपडेट में कोरोना के चौवन नए मामले आए हैं जिन इलाकों में नए मामले सामने आए हैं उनमें दरभंगा के छह भागलपुर में बारह बांका में ग्यारह खगड़िया में पंद्रह नालंदा में छह गोपालगंज में एक मधुबनी में 6 और सुपौल में दो मामले हैं इसके बाद दिन में दूसरे अपडेट में 6 नए मरीज मरीजों की कोरोना संक वहीं दूसरे अपडेट में छह नए मरीजों में भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1600 के करीब पहुंच चुकी है बिहार में कोरोना के मरीजों का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है बुधवार को भी 2000 से ज्यादा सैंपल की जांच हो रही है अब तक राज्य में इक्यावन हजार से ज्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है नालंदा की बात करें तो जिले में फिर से कोरोना के छह नए मरीज मिले हैं जिनमें तीन बिंद के दो रहुई के और एक थरथरी का मरीज शामिल है जिले में अब तक कोरोना के अठहत्तर मरीज मिल चुके हैं मंगलवार को बिहार में कोविड 19 संक्रमण के 77 नए मामले सामने आए हैं इसके साथ ही प्रदेश में कोविड 19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1519 हो गई थी स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के मंगलवार को जो 77 नए मामले आए थे उनमें जहानाबाद के 30 कटिहार के तेरह बेगूसराय के बारह कैमूर और भागलपुर के पांच पांच और औरंगाबाद के चार अरवल से तीन तथा बक्सर से बक्सर नवादा जमुई सुपौल और पटना के एक एक मामले सामने आए हैं गौरतलब है कि बिहार में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल नौ मरीजों की मौत हो चुकी है पटना और वैशाली में दो दो तथा मुंगेर रोहतास पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी और खगड़िया जिले में एक एक मरीजों की मौत हो चुकी है बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज वन इलेवन के साथ नमस्कार बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले